मैं डॉक्टर अमित कुमार, सीनियर कंसल्टेंट मेडिकल ऑन्कोलॉजी ब्रह्मानंदा नारायणा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल जमशेदपुर में कार्यरत हूँ। जैसा आपको मालूम है, 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे है। इस अवसर पर कुछ संदेश आप लोगों को देना चाहता हूँ। पहला, कुछ मिथ है जिसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। जो सबसे अहम है, लोग बोलते हैं कैंसर का कोई आंसर नहीं है, मतलब अगर कैंसर हो गया तो आप उससे बच नहीं सकते। ये बिल्कुल ही गलत है। अभी जो एडवांसमेंट हुआ है, उससे हम कैंसर को शुरुआती अवस्था में पकड़ सकते हैं और उसका सटीक 100% इलाज कर सकते हैं, मतलब कैंसर को हम पूरी तरह से क्योर कर सकते हैं। एक ही शर्त रहता है कि हम शुरुआती अवस्था में कैंसर को पकड़ पाएं। दूसरा जो बहुत कॉमन मिथ है, वो है कैंसर एक आदमी से दूसरे आदमी में फैलता है, मतलब छुआछूत की तरह इसको लोग समझते हैं। ये बिल्कुल ही नहीं है। कैंसर के मरीज के साथ हम लोग दिन भर रहते हैं, आप उनके साथ बैठ सकते हैं, बात कर सकते हैं, खाना खा सकते हैं, ये किसी भी तरह से फैलता नहीं है। छुआछूत की तो बिल्कुल ही बात नहीं है। जो तीसरा मिथ है कैंसर के बारे में, कैंसर को होने से हम रोक सकते हैं। 40-50% कैंसर जो है वो तंबाकू की वजह से होता है। अगर हम किसी भी तरह से तंबाकू के सेवन को कम कर सकें, बंद कर सकें, कम करना तो नहीं, बिल्कुल बंद ही करना है, अगर हम बंद कर दें तो कैंसर को हम 50% तो होने से रोक सकते हैं। कुछ कैंसर ऐसा है जो इन्फेक्शन की वजह से होता है, जो ह्यूमन पेपिलोमा वायरस का इन्फेक्शन है, बच्चेदानी का जो कैंसर है महिलाओं में, और पुरुषों में और महिलाओं में भी लीवर का जो कैंसर है, ये एक वायरस के इन्फेक्शन से होता है। जो महिलाओं में बच्चेदानी के मुंह का कैंसर है, सर्वाइकल कैंसर, वो ह्यूमन पेपिलोमा वायरस की वजह से होता है। इन्फेक्शन को रोकने के लिए अगर हम टीका लगा दें, वैक्सीनेशन कर दें, तो उस कैंसर को हम पूरी तरह से रोक सकते हैं। वैसे ही पुरुषों में और महिलाओं में जो लीवर का कैंसर होता है, वो भी एक इन्फेक्शन की वजह से होता है, हेपेटाइटिस बी वायरस से। अगर हम उसके लिए भी टीका दे दें तो हम उसको होने से रोक सकते हैं।